Assalamualaikum, welcome YouTube channel Nature Online. Students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. अक्सर व बिश्तर आप सोचते होंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनको यूरिन बार बार लगता है और उसमें शुगर का अमाउंट भी यूरिन में ज्यादा होता है, तो इस तरह क्यों होता है? या फिर जब हम फास्टिंग में होते हैं, जब हम रोजा रखते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी या हमारी किडनी क्या रोल प्ले करती है? आइए आज पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में. याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी दो तरह के यूरिन एक्सक्रिएट आउट करती है. एक यूरिन होता है डाइल्यूट यूरिन, ये वो यूरिन है जिसमें पानी ज्यादा होता है, पानी की मिकदार ज्यादा होती है. तो जब हमारी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा होता है, हम पानी बहुत ज्यादा पीते हैं और पीना भी चाहिए बिकॉज कि ये किडनी स्टोन नहीं होने देता, उस वक्त जो यूरिन होता है उसे हम डाइल्यूट यूरिन कहते हैं. लेकिन जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, हम रोजे में होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, या वैसे भी जब हम पानी में पानी नहीं पीते या कम पीते हैं, या फिर सर्दियों में जब हम पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त भी जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है. दैट मीन्स वो यूरिन जिसमें पानी की कमी हो. तो आइए आज पढ़ते हैं कि कंसंट्रेटेड जो यूरिन होता है वो हमारी बॉडी या हमारी किडनी किस तरह से बनाती है. याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी में किडनी के अंदर दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं. एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाता है जो मोस्ट प्रोबेबली एक्वेटिक एनिमल्स में मौजूद होता है, और दूसरा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है. जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादातर मौजूद होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, और हम भी जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है. आपने ये जहन में रखना है कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनली होता है वो ज्यादा लंबा होता है, उसकी साइज बड़ी होती है लूप ऑफ हेनले की, और उस नेफ्रॉन को हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं. ये इस वजह से ताकि वाटर को ज्यादा से ज्यादा महफूज किया जाए, वाटर को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब किया जाए, ताकि पहले से बॉडी में वाटर की कमी हो रही है तो वाटर यूरिन के अंदर जाया ना हो जाए, तो इसलिए जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन अपना रोल प्ले करता है. याद रखिएगा कि इससे पहले की वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया था कि जब तक आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन याद नहीं होगा आपको ये तमाम चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो देख ले जिसमें मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया है. आप यहां पर देख रहे हैं बाउमेंस कैप्सूल. एक बाउमेंस नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने ये कैप्सूल डिस्कवर किया था. तो बाउमेंस कैप्सूल, इसके अंदर हमारे पास ब्लड का एक गुच्छा होता है, ब्लड का एक बंच होता है, आप कह सकते हैं कि जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, वो आपको यहां पर मेंशन है. ग्लोमेरुलस के बाद हमारे पास है प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आप ये देख रहे हैं एक ट्यूब्यूल. देन वी हैव लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले में इस साइड की जो लिंब है वो कहलाती है डिसेंडिंग लिंब, और इस साइड की जो लिंब है वो कहलाती है असेंडिंग लिंब. असेंडिंग लिंब के बाद हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इन द लास्ट वी हैव कलेक्टिंग डक्ट. तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का. याद रखिएगा कि मैं आखिर में इन तीन हार्मोन्स का भी जिक्र करूंगा जिसमें ADH, एल्डिनोस्टेरोन और पैराथार्मोन. ये तीन हार्मोन भी रोल प्ले करते हैं किडनी के फंक्शंस में या फिर नेफ्रॉन के फंक्शन में. अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो नेफ्रॉन है या जो किडनी है वो 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है, या नेफ्रॉन 4 स्टेप्स के बाद जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है. वो 4 स्टेप्स कौन से हैं? बहुत अहम है. अगर आपसे बोर्ड के एग्जाम में कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ किडनी, या फिर अगर नेफ्रॉन के बारे में भी पूछा जाए तो यही 4 फंक्शंस हैं. उनमें से 3 जो फंक्शंस हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन, ये तीनों फंक्शंस स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट समझ में आ जाते हैं. लेकिन जो चौथा स्टेप या फंक्शन है काउंटर करंट एक्सचेंज या काउंटर करंट मल्टीपल, यहां पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो मैं आपको इजीली आज के टॉपिक में समझा दूंगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाउमेंस कैप्सूल में. याद रखिएगा कि ये जो मैंने ब्लैक कलर का क्रिसेंट टाइप स्ट्रक्चर बनाया है ये बाउमेंस कैप्सूल है. इसके अंदर आपको ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज नजर आ रहा है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ब्लड कैपिलरीज का, एक्चुअली ग्लोमेरुलस का मतलब ही यही होता है कि अब बॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज. तो ये जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस के अंदर आने वाली जो ब्लड आर्टरी होती है
उससे हम अफेरेंट एट्रियोल कहते हैं, अफेरेंट आर्टरी आप कह सकते हैं, ए से स्टार्ट होता है, ए से अफेरेंट। तो अफेरेंट एट्रियोल जो अंदर दाखिल हो रही है और जो यहां से बाहर निकल रही है उसे हम इफेरेंट एट्रियोल कहते हैं। तो हम उसको मेंशन कर देते हैं ई से, इफेरेंट एट्रियोल। आपने एक चीज तो जहन में रखनी ही रखनी है कि जो अफेरेंट एट्रियोल होता है इसका डायामीटर बड़ा होता है, अफेरेंट एट्रियोल का डायामीटर इतना होगा और इफेरेंट एट्रियोल का डायामीटर छोटा होगा। तो इफेरेंट का यहां पर डायामीटर देखें ये कम है, छोटा है, जबकि अफेरेंट एट्रियोल का डायामीटर बड़ा है। उसकी वजह ताकि यहां पर ब्लड का प्रेशर बने, और जब ब्लड का प्रेशर बनेगा ग्लोमेरुलस के अंदर तो फिल्ट्रेशन आसानी से होगी। तो ये सबसे पहली बात थी जो आपने जहन में रखनी थी। अब बात करते हैं सबसे पहला फंक्शन जो है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है मॉलिक्यूलर लेवल की फिल्ट्रेशन को। दैट मींस कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मॉलिक्यूलर लेवल की फिल्ट्रेशन हो जाती है, और ये मॉलिक्यूलर लेवल की जो फिल्ट्रेशन होती है ये होती है ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस के लिए कहा जाता है कि इसमें जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीव कहते हैं छानी को ना, जिसमें सुराख हो, जिनमें पोर्स हो। तो यहां पर पोर्स होते हैं और इस इन पोर्स से, इन सीव्स लाइक स्ट्रक्चर से ब्लड फिल्टर होता है। मेन फिल्ट्रेशन यहां पर होती है। तो एक्चुअल जो फिल्ट्रेशन है ब्लड की वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, यहां पर फिल्ट्रेशन होती है। इस फिल्ट्रेशन के अंदर पॉइंट टू बी नोटेड, जहन में रखना है कि इस फिल्ट्रेशन में तमाम चीजें फिल्टर हो जाती हैं। ब्लड अलग हो जाती है और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो अलग हो जाता है। ब्लड का ये रास्ता है, ब्लड यहां से इस तरफ चला जाता है। जबकि अगर हम फिल्ट्रेट की बात करें, जो फिल्ट्रेट मटेरियल है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, वो इस जो है वो कैप्सूल के जरिए, ये जो बाउमेंस कैप्सूल है, यहां से इस प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है फिल्ट्रेट मटेरियल। और उस फिल्ट्रेट मटेरियल के अंदर तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं, जबकि और भी बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं जिनमें ग्लूकोज भी फिल्टर हो जाता है, कुछ छोटे मोटे प्रोटीन्स भी फिल्टर हो जाते हैं, और इसके अलावा जो है कुछ आयंस फिल्टर हो जाते, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ब्लड से अलग हो जाती हैं। हालांकि यूजफुल होती हैं लेकिन वेस्ट मटेरियल में आ जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं। जो चीजें फिल्टर नहीं होती उनके अंदर आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, और कुछ मेनली बड़े प्रोटीन होते हैं, जो बड़े साइज के प्रोटीन होते हैं जिनको प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है, वो प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते। तो वो ब्लड में यहां से इफरेंट एट्रियोल से ब्लड में चले जाते हैं। कौन से? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल और RBC रेड ब्लड कॉर्पसल, और कुछ लार्ज साइज के जो प्रोटीन होते हैं जिनको प्लाज्मा प्रोटीन भी कहा जाता है। तो वो फिल्टर नहीं होते, वो ब्लड में ही रहते हैं। बाकी ब्लड की तमाम चीजें इवन के यूजफुल भी होती हैं, जैसे वाटर, जैसे छोटे प्रोटीन, जैसे ग्लूकोज और छोटे मोटे मॉलिक्यूल, आयंस, ये तमाम चीजें, साल्ट, ये फिल्टर हो जाती हैं। हालांकि ये यूजफुल हैं लेकिन फिल्टर हो जाती हैं, बिकॉज कि यहां पर फिल्ट्रेशन उस तरह की होती है। तो वो चीजें यूरिन में आ जाती हैं, वेस्ट में आ जाती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ यहां पर आ जाती हैं, किसमें, जिसको हम प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है PCT, प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये तमाम चीजें प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाती हैं। ये था हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, अब ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होना चाहिए था लेकिन हमने इसको नाम दिया है रीएब्जॉर्प्शन। एक्चुअली रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है कि ये जो चीजें काम वाली, यूजफुल चीजें, यूजफुल मटेरियल, जिसमें वाटर, ग्लूकोज, साल्ट, आयंस और ये तमाम चीजें, छोटे मोटे प्रोटीन्स, ये जब ये जो यूरिन के साथ आ गए हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल में, फिल्ट्रेट मटेरियल के साथ आ गए हैं, इनको हमने वापस ब्लड में भेजना है, इनको हमने वापस एब्जॉर्ब करवाना है। कहां पर? ब्लड में। लेकिन मैंने इसके साथ वर्ड दे दिया रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन इसलिए ये मैंने वर्ड एड कर दिया, या किताब के अंदर रीएब्जॉर्प्शन का वर्ड इसलिए है, बिकॉज के सबसे पहले इन तमाम चीजों की जो फिल्टर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, गट में। तो हम जो फूड ईट करते हैं उस फूड के अंदर ये तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, तो उन न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये वही न्यूट्रिएंट्स हैं
जो यहां पर यूरिन के साथ चले गए, तो हमने इनको दोबारा रीएब्जॉर्ब करना है। तो इसलिए हमने यहां पर जो दूसरा फंक्शन है वो करवाना है रीएब्जॉर्प्शन का, ताकि यही यूजफुल चीजें, यही न्यूट्रंस दोबारा हम ब्लड में भेज रहे हैं, तो हमने इसलिए इसे कह दिया रीएब्जॉर्प्शन। अब याद रखिएगा कि रीएब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या चीजें होती हैं, आयंस यहां पर सबसे पहले, दूसरे नंबर पर न्यूट्रंस और तीसरे नंबर पर सबस्ट्रेट। ये तीन चीजें हैं जिनको हमने रीएब्जॉर्ब करवाना है, जहन में रखिएगा, सबसे पहले आयंस, दूसरे नंबर पर न्यूट्रंस और तीसरे नंबर पर कुछ सबस्ट्रेट होते हैं जो जरूरी होते हैं, वो भी यहां पर वेस्ट मटेरियल के साथ, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के साथ मिल गए थे, फिल्टर हो गए थे, तो उनको भी हमने रीएब्जॉर्ब करवाना है। तो आपको बताता चलूं आयंस कौन से होते हैं। आपने यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है कि NaCl, Ca और पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तमाम आयंस हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि सोडियम, कैल्शियम और इसके अलावा क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि न्यूट्रंस कौन से होते हैं, तो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और सबस्ट्रेट होते हैं कुछ, इसके अंदर वाटर मौजूद है, HCO3 होता है। ये तमाम चीजें हमने क्या करवाने होते हैं, रीएब्जॉर्ब करवाने होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो 65% रीएब्जॉर्प्शन यहां पर प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, 60% जो रीएब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 15% जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो लूप ऑफ हेनले में होती है, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है 15%। और इसके अलावा जो 15% जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो ये है रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। आप कहेंगे सर रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होती है, तो ये जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी है, ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी यहां से मूव करती हुई, चूंकि डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो इसलिए मैंने शुरू में नहीं बनाई ये कैपिलरी, ये जब मूव करती हुई यहां पर आएगी तो अब यहां से मटेरियल इस ब्लड में अंदर जाएगा, रीएब्जॉर्ब होगा यूजफुल मटेरियल, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो याद रखिएगा कि अबाउट 65% रीएब्जॉर्प्शन प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है, जिसमें आयंस, साल्स और न्यूट्रंस मौजूद होते हैं। 15% जो रीएब्जॉर्प्शन होगी वो लूप ऑफ हेनले से होगी, और जो 15% होगी वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होगी ऑलमोस्ट। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर जो फंक्शन है वो है ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब स्टूडेंट्स, ट्यूबुलर सीक्रेशन सबसे पहले किससे कहते हैं, याद रखिएगा कि जब फिल्ट्रेशन हुई थी यहां पर ग्लोमेरुलस के अंदर, फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन या फिर अमोनिया के, ये मैंने यहां पर लिख दिया है, कुछ डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स भी होती हैं, टॉक्सिक मटेरियल होता है छोटा मोटा, वो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल यहां से फिल्टर नहीं हो पाते, ये ब्लड जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उनके साथ चिपके हुए होते हैं, उनके साथ ये फिल्टर नहीं होते और ब्लड के साथ आगे चले जाते हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के साथ मिलकर, हालांकि वो वेस्ट होते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उनमें से कुछ खतरनाक ड्रग्स भी होती हैं, कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी होता है, लेकिन बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाते, वो यहां से ब्लड में चले जाते हैं। अब जब यहां से वो ब्लड में चले जाते हैं तो हमने क्या करना है, उन मॉलिक्यूल्स को पुश करके जबरदस्ती एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत ही अहम पॉइंट है, यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, तो उन मॉलिक्यूल्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए दोबारा हमने यूरिन में भेजना है, उस प्रोसेस को ट्यूबुलर सीक्रेशन कहा जाता है, बिकॉज कि ये मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, बिकॉज एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ये मॉलिक्यूल आसानी से नहीं जाते, तो इन मॉलिक्यूल्स को, और वो मॉलिक्यूल कौन से होंगे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हाइड्रोजन आयंस होती है, कुछ ड्रग्स होती है, कुछ और पॉइजनस छोटे मोटे मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इसमें, यहां पर प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हमने ट्यूबुलर सीक्रेशन के जरिए, दैट मींस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, हमने इन मॉलिक्यूल्स को ब्लड से पुश करके दोबारा से यूरिन में एड कर देना है, बिकॉज ये रॉ मटेरियल है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये पॉइजनस मटेरियल है, तो इनको यूरिन में जाना जरूरी है, तो वो चले जाते हैं यूरिन के अंदर, इससे हम कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। नाउ कम टू द काउंटर करंट एक्सचेंज या काउंटर करंट मल्टीप्लर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो ब्लड कैपिलरी है, मैंने आपको बताया पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, ये जब यहां से मूव करती हुई इस तरफ से
लूप ऑफ हेनले से और फिर इस तरफ चली जाती है। जब ये यहां पर पहुंचती है तो हम इसे वेसा रेक्टा कहते हैं। तो अब आपने इसको वेसा रेक्टा कहना है, वेसा रेक्टा। तो ये वेसा रेक्टा जो है ये इन दोनों जो है लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग और असेंडिंग लिंब के गिर्द मूव करती है, और इसके अलावा यहां पर भी ये मौजूद होती है, यहां पर भी ये मौजूद होती है। तो ये ब्लड कैपिलरीज आप कह सकते हैं कि ये लिपटे हुए होते हैं किसको, प्रोक्सिमल कॉर्निवियल ट्यूब्यूल को, डिस्टल कॉर्निवियल ट्यूब्यूल को और लूप ऑफ हेनले की दोनों लिम्स को। तो इसको हम कहते हैं वेसा रेक्टा। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं इस वेसा रेक्टा को लूप ऑफ हेनले से इस तरह बनाता हूं कि ये आप समझे वेसा रेक्टा है, लाइक दिस। ये है वेसा रेक्टा, ठीक है। मैंने इसको खत्म करके इसको सीधा सीधा बना दिया, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यह है वेसा रेक्टा जो इसके गिर्द एक्चुअली लिपटा हुआ होता है, लेकिन मैंने इसको सीधा बना दिया ताकि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। देखिए स्टूडेंट्स, जो वेसा रेक्टा है इसकी भी दो लिम्स होती हैं। इस साइड वाली लिम्ब को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और इस साइड की लिम्ब को कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। याद रखिएगा कि लूप ऑफ हेनले जो एक्चुअल लूप ऑफ हेनले है, इस लूप ऑफ हेनले को हमने कहा था डिसेंडिंग लिम्ब और इसको हमने कहा था असेंडिंग लिम्ब। लेकिन वेसा रेक्टा में जस्ट अपोजिट है। वेसा रेक्टा के अंदर ये वाली जो लिम्ब है ये है डिसेंडिंग और ये वाली जो लिम्ब है ये है असेंडिंग। तो ये अपोजिट हो गया। हम बात कर रहे हैं काउंटर करंट एक्सचेंज की, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वेसा रेक्टा जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उलट होता है एज कंपेयर टू लूप ऑफ हेनले के, ठीक। अब आपने जहन में ये रखना है कि जब यहां से यूरिन जो वेस्ट मटेरियल है, जो फिल्टर्ड मटेरियल है, फिल्ट्रेट मटेरियल, जब यहां से ऊपर जा रहा होगा इस तरफ, बिकॉज के यहां से आया और यहां से मूव करता हुआ जब ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपने जहन में रखना है कि उस वक्त ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ होगा। वेसा रेक्टा में, वेसा रेक्टा में जो है ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ होगा, जबकि यूरिन ऊपर जा रहा है, ब्लड का फ्लो नीचे है। ठीक इसी तरीके से यहां पर यूरिन का फ्लो नीचे है लेकिन वेसा रेक्टा का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ है, लाइक दिस। तो ये दोनों जो फ्लूइड है ये काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। मतलब यूरिन नीचे आ रहा है, ब्लड ऊपर जा रहा है, यूरिन ऊपर जा रहा है, ब्लड नीचे आ रहा है। तो ये काउंटर हुआ, काउंटर करंट। काउंटर मतलब ऑपोजिट, करंट मतलब फ्लो। तो यूरिन नीचे आ रहा है तो ब्लड ऊपर जा रहा है, यूरिन ऊपर जा रहा है तो ब्लड नीचे आ रहा है। तो ये काउंटर करंट हुआ। अब काउंटर करंट एक्सचेंज, बिकॉज के मटीरियल एक्सचेंज होता है, जिस मटेरियल को हम कह रहे थे कि रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन होती है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या था कि जनाब जो वेस्ट मटेरियल में यूजफुल चीजें हैं, यहां पर वेस्ट मटेरियल के अंदर जो यूजफुल चीजें थी वो यूजफुल चीजें क्या थी, आयंस थे, न्यूट्रंस थे, सबस्ट्रेट थे। ये यहां से ब्लड में जाएंगे इस तरफ और यहां से भी ये ब्लड में जाएंगे, और जो ट्यूबुलर सीक्रेशन के अंदर जो रॉ मटीरियल था, जो छोटे छोटे आयंस थे, जो वेस्ट मटेरियल थे, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल थे, वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ब्लड में से यूरिन में जाएगा, यहां से ब्लड में से यूरिन में जाएगा। तो ये रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन जब यहां पर होता है ब्लड और लूप ऑफ हेनले या प्रोक्सिमल कॉर्निवियल ट्यूब्यूल या फिर डिस्टल कॉर्निवियल ट्यूब्यूल के अंदर, जब रीएब्जॉर्प्शन और वी कैन से ट्यूबुलर सीक्रेशन, ये दोनों मटीरियल एक्सचेंज होगा, तो इसको हम कहेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट, दो फ्लूइड अपोजिट में, और एक्सचेंज मतलब रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर जो सीक्रेशन थी, इन ये दोनों जो है वो एक्सचेंज हुआ मटेरियल, दोनों फ्लड जो है वो फ्लूइड के दौरान, दोनों ब्लड और वेस्ट के दरमियान जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, तो इसको हम काउंटर करंट एक्सचेंज। मटेरियल जो है रीएब्जॉर्प्शन भी हुई, ट्यूबुलर सीक्रेशन भी हुई, तो इसलिए हम उसको मल्टीपिलर कहते हैं। तो काउंटर करंट मल्टीपिलर या काउंटर करंट एक्सचेंज इसी को कहा जाता है। अब आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए, थोड़ा सा आप अगर डीप में स्टडी करेंगे तो आपको बताना चलूं
कि ये जो रीजन है ऊपर का ये कॉर्टेक्स होता है और नीचे जो है ये रीजन ये होता है मेड्यूला का। आपने जहन में रखना है मेड्यूला के ऊपर से जब यूरिन नीचे की तरफ आता है तो वो ज्यादा गाढ़ा होता जाता है, ज्यादा डेंस होता जाता है। यहां पर अगर उसकी ओस्मोलरिटी, ओस्मोलरिटी कहा जाता है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि साल्ट सॉल्यूट्स आयंस और जो मटेरियल होता है वो वाटर से ज्यादा हो तो उसको हम ऑस्मोलरिटी कहते हैं कि ऑस्मोलरिटी ज्यादा है। तो यहां पर यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी होगी वो कम होगी बिकॉज के यहां पर पानी ज्यादा मौजूद है। अब जैसे जैसे ये यूरिन नीचे की तरफ फ्लो करता जाएगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब होता चला जाएगा। तो वाटर जब यहां से निकलता जाएगा यूरिन से तो उससे क्या होगा कि यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी होगी वो बढ़ती जाएगी। पहले यहां पर 300 थी ऑस्मोलरिटी, यहां पर 600 हुई, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे 900 इवन 1200, यहां तक जब पहुंचेंगे तो 1200 तक ऑस्मोलरिटी चली जाती है। दैट मींस कि उसमें वाटर कम हो जाता है यूरिन के अंदर बिकॉज कि वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। एक और अहम बात कि सर ये वाटर और जो दूसरी चीजें हैं ये रीअब्सॉर्ब कैसे होती हैं। देखिए एमडी कैट के हिसाब से आपको बता दूं दो पॉइंट बहुत ज्यादा अहम हैं, वो आपने जहन में रखने हैं मेडिकल के टेस्ट के हिसाब से। नंबर वन कि ये जो डिसेंडिंग लिंब है ये ज्यादातर जो है वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन में। तो यहां से ज्यादातर जो रीअब्सॉर्प्शन होगी वो वाटर की होगी, H2O की होगी। ये दूसरी चीजों को जो है वो रीअब्सॉर्ब होने नहीं देती, यहां से इस लिंब में से दूसरी चीजें बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन ये जो लिंब है असेंडिंग जो लिंब है, यहां पर देखिए ये असेंडिंग लिंब है, असेंडिंग लिंब से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होता। आपने जहन में रखना है कि जो असेंडिंग लिंब है लूप ऑफ हेनले की उसमें से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होता, उसमें से वाटर नहीं निकलता, उसमें से साल्ट्स और आयंस बाहर निकलते हैं। अब मैं इसको जरा नट शेल के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि सर ये आयंस और वाटर किस तरह से यूरिन में से बाहर आ रहा है। तो सबसे पहले आपने जहन में ये रखना है कि जब यूरिन यहां से फ्लो करता हुआ ऊपर की तरफ आता है तो स्टूडेंट सबसे पहले यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी और उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से यहां पर जो है मैंने यहां पर लिख दिया है आयंस बाहर निकलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एनर्जी खर्च होगी और आयंस बाहर आ जाएंगे, उसमें से सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह और इसके अलावा बहुत सारी और छोटी मोटी आयंस होती हैं, ये आयंस बाहर निकलेंगे। जब ये आयंस बाहर निकलेंगे याद रखिएगा इसमें असेंडिंग लिंब में से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो बाहर की तरफ ये क्या है ये इंटरस्टेशियल फ्लूइड कहलाता है। ये रीजन भी इंटरस्टेशियल फ्लूइड है, ये बीच का रीजन भी इंटरस्टेशियल फ्लूइड है और ये रीजन भी इंटरस्टेशियल फ्लूइड है। तो जब यहां से आयंस बाहर निकलती हैं तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड के अंदर साल्ट्स और आयंस और इसके अलावा यूरिया, यूरिया भी यहां से बाहर निकलता है तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब इन तमाम चीजों की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जबकि यह भी कहा गया है कि सबसे पहले यहां पर Na आयंस जो होती हैं वो पहले निकलती हैं, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है तो इनके ऊपर इनके पीछे Cl भी आ जाता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये जब आयंस बाहर आएंगी तो यहां इंटरस्टेशियल जो फ्लूइड होगा उसकी कंसंट्रेशन, उसके अंदर आयंस की साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अब जब यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी आयंस की और साल्ट्स की तो उसके पीछे वाटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब जो वाटर ऊपर की तरफ जा रहा था मतलब यहां से जब वाटर नीचे आ रहा था तो अब आयंस यहां से बाहर निकली थी, उनकी कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा हो गई। अब यहां से जो वाटर पीछे की तरफ से आ रहा है वो वाटर यहां पर जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज के साल्ट्स और सॉल्यूट्स इधर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, उसको मेंटेन करने के लिए वाटर ऑटोमेटिकली यहां से बाहर की तरफ आएगा। इवन दो कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर जब यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है साल्ट्स की या आयंस की तो यहां से भी वाटर बाहर आ जाता है। तो यूरिया आयंस साल्ट्स और सॉल्यूट्स इनकी कंसंट्रेशन यहां ज्यादा हो जाती है, यहां ज्यादा हो जाती है, यहां ज्यादा हो जाती है, तो यहां से भी वाटर बाहर आएगा और इस रीजन से भी वाटर बाहर आ जाएगा। तो वाटर ज्यादा से ज्यादा बाहर आएगा बिकॉज
कि यहाँ पर जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड में है वहां पर वाटर ऑटोमेटिकली साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, बात करते हैं इन हार्मोन्स की। सबसे पहले ATH एंटी डायल्यूटिक हार्मोन, दूसरे नंबर पर एंडिरोस्ट्रोन और तीसरे नंबर पर पैराथार्मोन। याद रखिएगा कि ADH हार्मोन जिसे वैसोप्रेसन भी कहा जाता है, ये तब रिलीज होता है जब हम फास्टिंग में होते हैं, जब हम रोजा रखते हैं, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। चले रोजा ना भी रखें, फास्टिंग में ना भी हो, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है बिकॉज कि हमने कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना है, तो उस वक्त हमारी बॉडी में ADH रिलीज होता है। अब ये ADH जो है वो रिलीज होगा ताकि वाटर को ज्यादा से ज्यादा स्टोर किया जा सके, वाटर को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब किया जा सके, वाटर यूरिन में ना निकले और बॉडी की तरफ वापस आए ब्लड के जरिए। तो ADH रिलीज होता है और एंडिरोस्ट्रोन और पैराथार्मोन, ये तीन हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन आपने जो जहन में रखना है वो ये, सबसे पहले एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। ये एल्डोस्टेरोन यहां पर एक्ट करता है, जहन में रखिएगा, एल्डोस्टेरोन यहां पर असेंडिंग लिंब पर एक्ट करता है। जब ये असेंडिंग लिंब पर एक्ट करेगा तो उस वक्त जहन में रखिएगा कि ये जो आयंस होंगी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, मैंने आपको अभी बताया, बाहर निकलेंगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। कौन सी आयंस होंगी, NaKCl वगैरह और इस तरह से कुछ जो है वो यूरिया, ये तमाम चीजें जब बाहर निकलेंगे और पैराथार्मोन के जरिए कैल्शियम आयंस ये भी बाहर निकलेंगे। तो ये दो हार्मोन सबसे पहले रिलीज होंगे। इन हार्मोन्स के यहां पर एक्ट करने से क्या होगा कि आयंस बाहर आ जाएंगी, आयंस बाहर आ जाएंगी तो यहां पर जो फ्लूइड था, जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड था, वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ज्यादा डेंस हो जाएगा और उसके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी। उसके पीछे अब रिलीज होगा ADH और ADH रिलीज होने से अब यहां से जो वाटर है वो उन आयंस के पीछे मूव करेगा और उन आयंस के पीछे जब मूव करेगा तो वाटर बाहर आ जाएगा। अब जब वाटर बाहर आ जाएगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर याद रखिएगा कि अब यहां से वाटर मूव करेगा वेयर टुवर्ड्स द ब्लड। ये आयंस भी बिकॉज के ये काम की होती हैं, साल्ट्स काम के होते हैं, आयंस काम के होते हैं, ये आयंस और साल्ट्स दोबारा से ब्लड में जाते हैं। ये जो ब्लड की मैंने आपको बताया कि वेजा रेक्टा मैंने बनाया है, ये वेजा रेक्टा जब यहां से ये मूव कर रहा है तो अब ये चीजें इंटरस्टिशियल फ्लूइड से दोबारा ब्लड में मूव करेगी, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रीअब्सॉर्प्शन का, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से दोबारा ये तमाम चीजें वाटर और आयंस चले जाएंगे कहां पर, इस ब्लड की जो है वेजा रेक्टा के अंदर, और इनकी हो जाएगी रीअब्सॉर्प्शन और यहां से ये दोबारा बॉडी की तरफ वेजा रेक्टा मूव कर जाएगी। तो ये था हमारे पास, वी कैन से के रीअब्सॉर्प्शन हुई, लेकिन रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, ये तमाम जो मटेरियल है ट्यूबुलर सीक्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन का, ये डिफरेंट लोकेशंस पर हुआ और जहां जहां पर ये हुआ वहां पर काउंटर करंट हो रहा था ब्लड और यूरिन के बीच में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे। अगर आप यूं समझें कि अगर ब्लड नीचे आ रही थी तो यूरिन ऊपर जा रहा था, अगर यूरिन नीचे आ रहा था तो ब्लड ऊपर जा रही थी, तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। और काउंटर करंट एक्सचेंज में हुआ क्या, रीअब्सॉर्प्शन हुआ और ट्यूबुलर सीक्रेशन हुई। अब आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो ट्यूबुलर सीक्रेशन होती है वो ज्यादातर इन लोकेशंस पर होती है, प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल पर, इसीलिए हम इसे ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं। ज्यादातर यहां पर जो ब्लड कैपिलरीज होती है और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल है, तो यहां पर, यहां और इस जगह पर ट्यूबुलर सीक्रेशन होती है। दैट मीन्स के अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कुछ जो ड्रग्स वगैरह होती हैं वो यहां से ब्लड में से मूव करके ट्यूब्यूल्स में आ जाती हैं। ट्यूब्यूल में तो पहले से यूरिन मौजूद है, तो यहां पर और यहां पर जो यू कैन से के ब्लड में से चीजें, वी कैन से के जो ब्लड में आएंगी वो ट्यूबुलर सीक्रेशन कहलाती हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली होती है कहां पर, ट्यूब्यूल्स में होता है। जबकि जो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन मैंने आपको बताई वो ज्यादातर कहां पर होगी, डिसेंडिंग लिंब में होगी, और जो असेंडिंग लिंब है वहां पर जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो ज्यादातर डिफरेंट आयंस की होती है जिसमें साल्ट्स और यूरिया वगैरह मौजूद होता है। तो अब यहां पर ये मूव करता हुआ यूरिन जब यहां पर आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर तो वो कंसंट्रेट यूरिन कहलाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन कहलाएगा, बिकॉज के ये यूरिन जो है इसमें साल्ट सॉल्यूट्स और आयंस
जो है वो पानी इनकी मिकदार बहुत कम मौजूद होगी, वो वापस ब्लड में चले गए हैं। जो वेस्ट होगा, जो फिल्ट्रेट मटेरियल होगा, जो क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड और जो रॉ मटेरियल होगा, वो ज्यादातर यहां से मूव करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा और फिर वो वी कैन से के जो है वो कलेक्ट होकर एक साथ होकर यूरिटर में से यूरिनरी ब्लेडर की तरफ चला जाएगा। याद रखिएगा कि कलेक्टिंग डक्ट में दूसरे नेफ्रॉन्स की भी कलेक्टिंग डक्ट यहीं पर आती है और एक कलेक्टिंग डक्ट जो है वो 3-4 नेफ्रॉन के लिए होती है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है। अब आखिरी बात जो आपको बतानी थी काउंटर करंट एक्सचेंज में, के ऊपर की तरफ जो कॉर्टेक्स रीजन होगा, ये इसके अंदर साल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात हो रही है, यहां यहां और इस तरफ की बात हो रही है। तो यहां पर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो कम डेंस होता है, उसमें ऑस्मोलरिटी कम होती है, मतलब उसमें साल्स सॉल्यूट्स कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ती चली जाएगी, वो डेंस होता चला जाएगा और वो गाढ़ा होता चला जाएगा, बिकॉज के यहां से चीजें जंप करती हुई कहां पर आएंगी, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती जाएंगी। तो जब यहां से आयंस और साल्ट्स बाहर आ जाएंगे तो उनके पीछे वाटर भी आ जाएगा, जब उनके पीछे वाटर आ जाएगा तो उसके बाद फिर दोबारा तमाम चीजें ये कहां चली जाएंगी, ब्लड में चली जाएंगी और फिर ब्लड उनको वापस बॉडी की तरफ ले जाएगा, आयंस को, ग्लूकोज को और साल्ट्स को, सॉल्यूट्स को और इसके अलावा जो है वाटर को, जबकि यहां तक फाइनली जो पहुंचेगा वो कंसंट्रेट यूरिन होगा जिसमें वाटर की मिकदार कम होगी, बाकी जो उसके अंदर होगा ज्यादातर रॉ मटेरियल होगा। जहन में रखिएगा, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जो जिनको शुगर की बीमारी होती है, उनको प्यास भी ज्यादा लग रही होती है, बार बार प्यास लगती है और उनकी किडनी प्रॉपर से काम नहीं कर रही होती, उनमें हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि उनका यूरिन बार बार बनता है और उस यूरिन के अंदर वाटर ज्यादा होता है, तो वाटर ज्यादा रिमूव हो रहा होता है, उस वाटर के अंदर ग्लूकोज भी रीअब्सॉर्ब नहीं होता, तो ग्लूकोज के रीअब्सॉर्ब ना होने की वजह से वाटर ज्यादा होता है, तो उनको प्यास भी ज्यादा लग रही होती है, यूरिन भी ज्यादा आ रहा होता है और बार बार आ रहा होता है, उस यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट भी ज्यादा मौजूद होता है। तो इसलिए अगर आपने किडनी की बीमारियों से महफूज रहना है, अगर आप किडनी के प्रॉब्लम से बचना चाह रहे हैं, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, इतना ज्यादा पानी पिएं कि यहां पर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन की जरूरत भी नहीं पड़े और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको प्रेशर के साथ वाटर मूव करता हुआ यहां से आगे की तरफ ले जाए उस वेस्ट मटेरियल को, ताकि वो वेस्ट मटेरियल कहीं पर स्टोर ना हो और किडनी स्टोन बने भी नहीं। जब पानी की कमी होती है तो ये चीजें यहां पर ट्रैप हो जाती हैं, यहां पर जो है वो फंस जाती हैं और यहां पर छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स जो है वो अमोनिया के, यूरिक एसिड के और मुख्तलिफ जो डिफरेंट टाइप के कैल्शियम के ऑक्सीलेट के, कैल्शियम फॉस्फेट के, ये छोटे मोटे मॉलिक्यूल जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये क्या बना देते हैं, ये स्टोन बना जाते हैं या फिर कैलकुलस बना देते हैं, पथरी बना देते हैं, जो कि फिर आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और लेक्चर के अंदर, खुदा हाफिज़।